हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे गांव के बारे में बताना चाहेंगे जिसका कद काठी बौना है और जिसका रहस्य एकदम अनसुलझा है। सामान्य तौर पर हर 20,000 इंसानों में से एक इंसान बौना होता है, यानी इनका प्रतिशत बहुत कम, लगभग आबादी से 1% ज्यादा कम होता है। लेकिन चीन के सिंचुआन प्रांत के दूर दराज इलाके में मौजूद गाँव यांगसी की कहानी ही अलग है। इस गांव की लगभग 50% आबादी बौनी है। इस गांव में रहने वाले 80 में से 36 लोगों की लंबाई मात्र 2 फीट 1 इंच से लेकर 3 फीट 10 इंच तक है। इतनी अधिक संख्या में लोगों के बौने होने के कारण यह गांव बौनों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के बौने होने के पीछे क्या रहस्य है, इसका पता वैज्ञानिक पिछले 60 सालों में से नहीं लगा पाया है। गांव के बुजुर्ग के मुताबिक इनकी खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी कई दशकों पहले ही खत्म हो गई चुकी है, जब प्रांत को एक खतरनाक बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया था, जिसके बाद कई स्थानीय लोग अजीब व गरीब हालात से जूझ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर 5 से 7 साल के बच्चे हैं। इस उम्र के बाद इन बच्चों की लंबाई रुक जाती है। इसके अलावा वो कई और असमर्थाओं से जूझ रहे हैं। इस काले इलाके में बौनों को देखे जाने की खबर 1911 से ही आती रही है। 1947 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने भी इस इलाके में सैकड़ों बौनों को देखने की बात कही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस खतरनाक बीमारी का पता 1951 में चला, जब प्रशासन को पीड़ितों के अंग छोटे होने की शिकायत मिली। 1985 में जब जनगणना हुई तो गाँव में ऐसे करीब 119 मामले सामने आए। समय के साथ में रुकी नई पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी भी आगे बढ़ती गई। इसके डर से लोगों ने गांव छोड़कर जाना शुरू कर दिया ताकि बीमारी उनके बच्चों में ना आए। हालांकि 60 साल बाद अब जाकर कुछ हालात सुधरे हैं। अब नई पीढ़ी में ये लक्षण कम नजर आ रहे हैं। अचानक में ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य कद के लोगों का गांव बौनों के गांव में तब्दील हो गया? यह रहस्य वैज्ञानिक 60 साल बाद आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इन गांवों की पानी, मिट्टी, अनाज आदि का कई मर्तबा अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सका। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसका कारण वो जहरीली गैस है जो जापान के कई दशकों पहले चीन से छोड़ी थी। हालांकि यह एक तथ्य है कि जापान कभी भी चीन के इस इलाके में नहीं पहुंचा था। ऐसे ही समय समय पर तमाम दावे किए गए, लेकिन सही जवाब नहीं मिला।